बड़ा यूनीक और ऐसा मुनफरिद तो इंशाला सुना कम अज कम तीन फायदे हो गए किने लो जी जो पहला फायदा पसंद आया तो जौक के मुताबिक सुबह कह लो पर पहले फायदा मेरे को सुन लो इस मौजू सु और इंशाला एदल कर फायदा हो अल्लाह दिल ही नहीं करेगा दूसरा फायदा पता क्यों होएगा तो मेरे में अल्लाह तबारा का वाला छोटे वे गुनामा तो बचा भी लगे अल्लाह ते दिल अंदर गुनाव दीद नफरत पैदा फरमा

हर बंद जरूरत है और यह बड़ा अहम तरीन फायदा हम तीसरा फायदा सुनियो इस मौजूद इंशाला तीसरा फायदा यह होगा कि आज जिन्हें दुख चुकी फिर ना जिन्हें बोझ चुकी फिर ना कोई औलाद वालों दुखी है कोई बे औलाद होने की वजह तो दुखी है कोई बीमारी तो दुखी है तो जो मर, मेरे बार, किसे दी, सैलरी और तनखा ना काफी तनखाह इन शाह वाल तीसरा फायदा होबारक वाला वा या तो दुखी जड़ तो खत्म कर देगा या कम अज कम अल्लाह तहु तो दुखा के बोझ चो बहर निकलन की तोहफी कता फरमा हम जरा ਇਤਨਾ ਅਹਮ ਤਰੀਨ ਮੌਜੂ ਹੋਵੇ ਇਤਨਾ ਅਹਮ ਮੌਜੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਹਜ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇ अल्लाह मेहमाना ने ग्रामीय कदर तो लैके सामीन मुस्ताम तक अल्लाह जी जो जरूरत है अल्लाह अपनी रहमत कुदरत जरूरत न पूरियाँ फरमा दे और अल्लाह सगैर हिसाब दे अपनी जन्नत का दा दाखिला नसीह फरमा दे ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ লামਾਏ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਹਲ ਇਲਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਮਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ 15000 ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20000 ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5000 ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਲੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ खुफिया करदा ना। दे कर नफरत गल ए भी बड़ी वजन ले बेटा मेरा पंद्रह हजार कमाना ना पुत्र तेन अब पुपये खर्ची दें ओने तू मेरा पुत आदत है ला ओ पुपय चो भी पांच रुपये चुप करके मस्जिद गले च पाया कर फिर वेखी तेन जीन का लुत्फ आंदा फिर तेन ईमान छोटी उम्र बनाने दस रुपये पाओ बेटा खुफिए सदके ताकत है एनी कुत ना दलायल मेरा साथ दे रहे ने ना अल्फाज मेरा साथ दे रहे ने ना अंद मेरा साथ दे रहा है हरामोर का कहता सदका खर्च करता रहा गल बड़ी वजन है भले अच्छा बाज ने पता की लिखिया माहौल ही बनाता किस टाइम ना खबे सज्जे अगे पिछले दर्शनों किताबा आ गई ने मैं चाहना के हर चमन चो ना एक, एक गुल मैं उठा के ओशबो तो संघा के फिर इनशाला जुए तो बचा नजैज तलका बच जा गुनाव तो बच जा तद गुजार बन जा हर छोटी वही नेकी कर लग पवान अला माएक राम ने लिखे है कन खोलो जेड़ा बंदा मौत नाद रखता है ना ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੌਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਟੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ فرمایا ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ अल्लाह तो दें दे ने, दे 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 दे, दे माल दे और ये अंदर भी कोई शक नहीं हजरत मैं अलहमदुल्ला खुद इस गलते बड़ा गौर किया कि जिस बंद याद है ना कि मैं फटे ते पै जाना है किसी ने कब्रस्तान जाके उची बोलो मेरी कब्र से दुआ भी करनी

ਅੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇal ਵੇਖ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲ੍ਲਾ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਸਤਾਨ عطا ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇal ਵੇਖਿਓ ਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ अगर तुम मैं कहो ना शेख साहब बंद गलियां भी रस्ता दे देन आसानिया हो जाए कुशादगिया हो जाए कोई वजीफा दसो तन च कसरत ना फड़िया करो ला हौला ता कूला बिल्ला मिलकर बोलो हाँ की पढ़ना है जिनी मुहब्बत न आयो हो सारे मिलकर बोलो हाँ इंशाला की पढ़ना है ला अच्छा ला हौला वाला कू तो इला बिला का सादा माना पता की है मैं सादा मना करके देना लाह हौला वाला कू तो इला बिला का सादा माना है वे लाह हौला अला मैं हिल भी नहीं सकता लाहौला दा मना की है मैं ਹੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਲਾ ਕਵਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਮਾ ਤੋਹੀ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਠੱਕੇ ਖਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐ ਛੱਲੇ ਕੜੇ ਧਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ प्राइवेसी तनखाई अंदर ला हौला बलाकूआ था इला बिला पढ़िया कर जन्नत के खजान खजाना है अरश के खजान खजाना बंद गलता है सुबह नला जौक मन सुन गए तू पूरा करना है पहले मन है सोने दा सादा ला हौला बलाकूआ था इला बिला पढ़ के ना बंदा अपना पला झाड़ दबर की गिची मरोड़ के ओनू दफन कर देंद्र तो बंदा कहें ला हौला वाला कुआता अला बिल्ला अल्लाह मेरे पल नहीं सारियां ताकत मालक तू कलै अल्लाह मेरे पले कुछ नहीं सारिया तौफीक ताकत का मालक तू है तो बाहर सूरत उन्हें आख्या जड़ा प्राइवेसी अंदर कर न अला का जिक्र ज्यादा पढ़ देना ना ला हौला वाला कुआता इला बिला अला दुखा का इलाज कर दंता अला गुनाह की नफरत पैदा कर दंता नेकी मुहब्बत पैदा कर देता दे। लेकिन मैं माशाला तबारा कला पी ती साल मुताा करके गौर करके जिस नतीजे त मैं पहुंची ना वो अच मैं दरियाफत तो सामने रखना जरा तवज्जो रखना थोड़े तो चो अगर कोई बंदा वाकई संजीदा कि मैं रब का नाफरमान बन के नहीं मरना मैं जुआ खेड़ के नहीं मरना शराब के करीब नहीं जाना हराम के करीब नहीं जाना और मैं हर छोटी वड्डी नेकी का जैका चख के दुनिया तो जाना है। और मैं दुखा की चक्की अंदर नहीं पिसना अल्लाह मैं वह स्टेज अता कर दे फिक्र अता कर दे कि अल्लाह मेरे गमांजत रख दे जी लज्जत बादशाह महल अंदर भी नहीं लगी फिर जड़ी मैं जी मैं गल कर लगे शुरू कर लगा ना जी ओन गौर कर ले शह ना पता की है थोड़े तो चो अगर कोई बंदा चाहता दिल दे च गुनाव की नफरत पैदा हो जाए नेकी शद मुहबत पैदा हो जाए और दुखा का इलाज हो जाए फिर करना पता की है मेरे हल अपने दिल अंदर अल्लाह पाक दी जन्नत का शौक पैदा कर शौक शौके जन्नत पैदा कर लै अला फरमांदे ने गुनाहान की नफरत भी पैदा कर देंगा नेकी की मुहब्बत भी पैदा कर देंगा तो दे तेरी सारी जिंदगी दे दुखा तो मैं तेन नजात भी अता कर दिया लोगों दुखा का इलाज शौके जन्नत अल्लाह की जन्नत जाना है जन्नत उल तो फिरदौस अंदर जाना है और जन्नत सादा लफजा अंदर ए खुदाई वीआई पी मेहमान खाना जय बेटा की वारगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं तेनो नहीं पता तेरे अल्लाह ने तेरे वीआई जन्न तुलदौसोस पूरे कर वैसे मैं तो गल पुछनी अलाबादियों मेरे अल वे जवाब दे आज चालीस साल पा साल सठ साल बंदे जिंदगी मिली हो जो सठ साल जिंदगी अंदर ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਓਏ ਸਾਡੇ ਕੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆਲੇ ਜੰਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਕਿੰਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਕਿੰਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ मेरे प्यारे भाई अपने दिल अंदर शौके जन्नत पैदा करो गरीब हो फिर भी शौके जन्नत पैदा करो अमीर हो फिर भी शौके जन्नत पैदा करो कि मैनू बस अल्लाह माड़ा मोटा ਟੈਸਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪਾਣੀ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਇਧਰੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟਣੀ ਏ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਨਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਤਾੰਦੇ ਓਚੀ ਬੋਲੋ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਓਚੀ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਓਏ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜ ਲਈਏ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਜਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਲ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜੌਬ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੈਣ तेरिया फ्रिजा भरिया ने तेरिया जेबा भरिया ने पुत तो मेरे वेख तो फिर भी जन्नत खोटी कर ली उन्होंने रसूल पागल इस्लाम के पाग दे एक पासे दरख्त थोड़े जे पत्ते जा, पे ने एक पास थोड़ा जहा जौ पिया नबी पाकू भुख लगती है कभी नबी पाक खुशक जौ खा के गुजारा करते ने कहीं सोहे नबी पाक दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर सईयदर रजी अला तला बयान करते हैं मैं वेख्या नबीलासलाम खजूर की चटाई तो बैठे सन निशान जो चटाई दे नबी पाग के वजूदे पाग च पैसे ने मैं रसूल पाग अलेम वेखिया मेरे को कंट्रोल ही ना हो मैं रोना शुरू कर दिता आपने फरमाया मा युवकी कही उमर रजी अल्लाह तेरी उम्र तुम तो रोना क्यों शुरू किया है सही देना उम्र फरमाते दे अलाबी पाग अल्लाम जी अपनी हालत वेखो चटाई थे बैठे हो निशान पै ने दरख्तों के पत्ते जौ थे गुजारा कर दौ पै कैसरो किसरा दुश्मन जड़ा लहम सिमार लाहुम अन्हार उन्होंने वास्ते मशरूबादियाँ नहर ने उन्ह वे वन सुवन्ने फल ने तो एक डंग रोटी भी नहीं एलाबादीओ जो सोने नबी का जवाब पसंद आया ना तो सुबहणा लाल जौक जुमले तो बाद इंशाला पूरा करना है नबी पा ने फुमाया उमर औौसलाह कर अमांजा अमा तरजा अमा तरजा और मेरे उम्र तू अला इस राजी नहीं एना काफर दुश्मन सारा कुछ दुनिया अंदर अल्लाह पाक ने जन्नत तैयार कर दे चार पूरे करने ने अल्लाह वह पिया किन्ने जज्बात भी वेख रहे हैं इरादे भी वेख है, उम्र तू अला इस वंट त राजी नहीं के साथ वासबदा मेहमान खाना जन्नत है शौके जन्नत पैदा कर अब बेरोजगारी तेरा मसला नहीं तेरा मसला है वे बेटा, तेरी निगाह जन्नत नहीं रह गई तेरे जो जन्नत खत्म हो गया है जन्नत खत्म हो गया है ते जिस बंदे दे दिलो दिमाग अंदर जन्नत का शौक ना रवे अल्लाह की इज्जत की किस्म उठा के कहीं चार साल भी तंग हो जाते ने तेरी जिंदगी इशू नहीं के तेरी पंद्रह हजार तनखा है तेरी तीस हजार तनखा है शौक पता कैसा पैदा करना है मैं सयल बुखारी पढ़ना हजरत अनस बिन नजर रज अल्लाह था अला मेरे पाक पेगम्बराम हजरत अनस बिन नजर हजरत अनस बिन मालक रजी अल्लाह था दे चाचा बदर की लड़ाई के अंदर शामिल नहीं हुए तो इरादा बड़ा है अल्लाह पाक कोई आए थे मैं नबीला सला तो सलाम के जंग लड़ा मैं अपने पैगंबर का दिफा करा दुश्मनों मैं जहनम वासल करा अल्लाह पाक का करना नबी पाक सलाम ने जंगे उहदा ऐलान फरमाया जंगे ओह तैयारी जा रही है हजरत ए खालत नली दर्रे वालों आए ने सिबाई किराम द अंदर बदगदड़ मच गई है सिहाबा ने पिछे दौड़ना शुरू कर दिता है हालात का तकाजा है शैड से होना शुरू कर दता है हजरत दुश्मन वाल दौड़े दौड़ दौड़त हुई है नसता जा रहा है किड़े पासे दौड़ता जा रहा है हजरत अनस फरमाण लगे मैं दुश्मन वाल जा रहा हाँ दुश्मन जहनम वासल कर जा रहा हजरत ए साद फरमा देने तू कल दुश्मन तदाद अंदर बड़ा ज्यादा है अगे जान कोशिश ना करी मेरे अनस ते हजरत अनस ने जरा जवाब दिता है मेरा दिल कर दे, तेरे मत्थे ते लेख दिया हजरत अनस ने जुमला बोलिया साध मैनू मना ना कर इन्नी आजे दो री हल जन्ना इन्नी दोरी हल जन्ना मेरे साध मेनू अगे वना तो ना कर अज मैनू मैदान अंदरों अल्लाह पाग दन्नत की खुशबू आ रही है वह सारे ओला मग फेरा ते मेरे रबे जन्ना वजना अरजो मावा तो वल अरजो ओ इद्दत मुत की अल्लाह फरमान देने दौड़ो मेरी जन्नत वाल दौड़ो वीआई पी मेहमान खाने वाल हदराते जीवकार शौके जन्न दुखा अदराते जीवकार जे बंद जन्नत का नशा लग जाए अल्लाह बाग दसमें फिर दुनिया का नशा करने दिल नहीं जे करता फिर शराब का नशा नहीं जे लगता फिर हराम का नशा नहीं जे लगता फिर नजायत धुकात का नशा नहीं जे लगता आ शौके जन्नत पैदा करते तलबे जन्नत का जज्बा पैदा कर शिहाब

ਦੌੜੋ ਉਸ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਨਸ ਪਾਓ ਉਸ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਜਿਹਦੀ ਚੁੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ 우ਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ वाह जन्नत चुड़ाई जमीनों आसमान दे बराबर नबी पाग ने फरमाया मैर वाह वाह कदी की थी ओ हदरत फरमान दे दे नबी दसिया जन्नत चुड़ाई ज़मीनों आसमान दे बराबर अकून मिन हा। ते मेरा भी दिल कर पे है अल्लाह पाग मैनु भी उस वी आई पी मेहमान खाने का वारस बना दे अल्लाह मेनू भी वह जन्नत था कर दे आपने फरमाया अमता मिन आहलिहा तुझ तो रखना अंत मिन आहले हा। और मेरे उमैर तू जन्न तू जिन्हों अपना खुदाई मेहमान खाना जन्नत दा, दा करेगा हजरत उमैर अल्लाह अंदर खजूरां वाली थैली फड़ीए ते थैली तो खजूरां कट के खान लगे नबी पाक ने फरमाया तू तो अहले जन्नत चोए हजरती उमैर इन खजूर खड़ के मूह के करीब खड़िया के पिछे लै गए आते ने खजूर खाद्या खाद्या देर ना हो जाए मैदान अंदर शहादत पाने खजूर अल्लाह पाक ही जा के खाने व सारे ऊला मग फेरा ते मेरे रबे को वन अरजो हसा मावा तो वल अरजो ओ दिल मुत्त की हजरात है जीवकार जे थोड़ी तवजोद मैं एक और वाकया शौके जन्नत सुना शुगर दिया ग करने वालों कैंसर दिया गल करने वालों बीमारी दिया गल करने वालों नबी भी ये कोल कायनाथ ए मामोलम्बिया अल सलाम देख सियाबी इन्हों का नाम है हज़रत अमर रसी अल्लाह तला अन लाहू अरबा तो बनोन कल असद अल्लाह पाक ने इनू चार पुत्र फरमाए ने चारो पुत्र शेरां वर्गे जवान ने नबीला सला तो सलाम के अगे पिछे रें नबी सलाम के बाडीगार्ड बन के रेंगे ने नबी पाक सल हो लाल वसलम के न इन्होंने बदर दी लड़ाई भी लड़ी है उस दौका है तो उस वास्ते भी तैयार हो गया हदरत अमर बदर अंदर नहीं जा सके ओ दंदर जाम का पूरा पूरा प्रोग्राम बना लिया है तो नबी लादू सलाम को चारे बेटे चल के आए आके कह लगे अल्लाह दे नबी असि अपने अबू जी ने बड़ा समझाया है ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗੜਾਪਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਾਫੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਪਹਿ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਘਰ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਇਲਾਬਾ ਦਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ काले रंग क्यों ना हो बाप बाप ही हूँ कला क्यों ना हो बाप बाप ही हूँ अनपढ़ क्यों ना हो बाप बरकती होया कर भावें तेरे म्यार मुताबक, मुताबक नहीं मुताबक नहीं तू चार लफज पढ़ लेने ये चारों बेटे आते ने, ने अबा जी साढ़े बाप को समझाओ हज़रत अमर भी आमिना दे दुर्रे यतीम एमामो लंबी मोहम्मद सलम की खिदमत अंदर आ गया आपने आखिया अमर यार की जरूरत पी है तेनू छाणी अल्लाह पाक ने तेन कुरान अंदर इजाजत दी है तवजो रखना अल्लाह ने तेन कुरान अंदर इजाजत दी है शेरां के तू घर अंदर बैठ तेनू नहीं जरूरत हजरत अमर ने जरा जवाब दिता मेरा दिल कर देरे मथे तेखद हजरत अमर आंदेने अल्लाह दे नबी मैनुको नहीं अल्लाह दे नबी मैनू ਰੋਕੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਲੰਗਾਂ ਦਾ ਲੰਗਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾ लेकिन ईमान लूला लंगड़ा नहीं जन्नत जज्बा लूला लंगड़ा नहीं खैर इस्लाम ने जबरदस्ती ना करो खैर अल्लाह पाकदा करना हजरत अमर असी अल्लाहों तला मैदानी ओह अंदर चले गया लंघा लगाते चले गए अच्छा तेरा भी एक शौके जन्नत जैन फजर वेले बिस्तर तो मस्जिद अंदर लैके नहीं आ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਵੇਲੇ अल्लाह ने कुरने पाक अंदर रुखसत दिखा ने लंघा लंघाने गएरत मई पाक पईये तो जो मेरे वाल आपने मईय पाक वाल वेखे है आपने फरमाय का अन्नी अन जोर का अन्नी अनजोरो पैगंबर ने फरमाया मेरे सियाबा मेनुजी पिया लगद अल्लाह पाक ने मेरे अमरपन खत्म कर दिता है मेरा अमर जन्न दया बुलंद चढ़ता जा रहा है वह सारे ऊेला ते मेरे रबे घुम वन अरजो हसा मावा तू वल अर दो दिल मुत्ता की शूगर दूर की वजह तो, तो, तो अल्लाह पाक सारे दोखी ने सारे खत्म कर दिखते हैं सुनने भी दबू एक बड़ा प्यारा वाकया सुना ना मेरे और पीरों मुर्शा मामो लंबी जनाबे वाली वसलम तरीफ फरमा ने एक बंद देहात चो आया नबीलासला तो सलाम देग चेहरे दीदार फरमाय तुझो करना पाग चेहरे दीदार फरमाय सिहाबा माहौल वेख्या दिहाती वे वे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया दो तीन दिन ठहरे ना मदीने गल सुनो तबीलासलाम तो तो ना दे नबी थे च मुहबत ही इन ने यारा माहौल ही इना प्यारा हूं मेरा वापस पिंड जान नहीं करता ਨਬੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਆਬਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਖੈਰ ਉਸ ਸਿਆਹੀ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਖਨੀਮਤ ਆਇਆ ਰਸੂਲ ਪਾਗਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਹਬਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਊਂਟ ਛਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾ ਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹਲਾਲ हराम अंदर तमीज कर किसी यूनिवर्सिटी का पढ़िया सिहाबी नहीं।, नहीं पर ना पता है जो अंदर ईमान उतर जाए फिर अंदर लुकमाय हराम नहीं जा सकता फिर भैन का हक नहीं बंदा खा सकता फिर बंदा सूदी कारोबार दे रिश्वत दे मामले नहीं कर सकता माँ हाजा ए की है और ना आखिया कस मुन कसम हूला करसोल्ला नबीलाम सिहाबा अलाक ने माले गनीमत दिता है नबीला सलात उसम ने सिहाबाच गनीमत तकसीम किया तेरे हिस्से की वंड़ी पाई है तेरा हिस्सा तेरे तक पहुँचा दे ने हिस्सा दिता है तेरे को आया ओने हिस्सा चुके है आमना दे दुर्रे यतीम एमाम जनाबे सल्लाहसलम हिस्सा लैके आ गए तहण लगे माह अल्लाह देगंबर दे जी ए की ये। आपने फरमाया तेरा हिस्सा इलाहाबादीओ दिल कर दसाबी ने जवाब दिता थोड़े तो मत्थे ते लिखदा ऐ जो दुखा का इलाज सियाबी कह लगा अल्लाह दे नबी मेरा हिस्सा क्डन की की लोड़ सी असी कोई हिस्से लैन वास्ते तो मुसलमान नहीं हो ਜਿਸ ਮਿੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਜੌਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਸਜਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੁਰ ਗਏ ਕੁਰਾਨ

ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੀ ਇਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਲਮਾ ਇਸ ਲਈ ਪੜਿਆ ਸਾਡਾ ਲਾਉਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਲੜਦੇ ਆ ਲੜਦੇ ਆ ਲੜਦਿਆਂ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾ ਲੜਦੇ ਆ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਜੋੜੀ ਜਾਨੇ ਜੋੜੀ ਜਾਨੇ ਭੈਣ ਨਾ ਝੂਠ ਭਰਾ ਨਾ ਝੂਠ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨਾ ਝੂਠ ਮੱਲੇਦਾਰ ਨਾ ਝੂਠ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰ ਲੁਟਾਇਆ ਕਰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੁਟਾਇਆ ਕਰ ਜਿਦੋਂ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ खैर नबी है कुल कायनात मामोलम्बिया कह अल्लाह के नबी जी मैं ते कलमा इस वास पढ़िया है ता मेरे हलक तीर लगे खून का फुहारा निकले और मैं अल्लाह पाक दियाँ जनता का मेहमान बन जा रसूले कायनात सल्लल्लाहु वाले वसल्लम ने अरशाद फरमाया सा जन्ना का जे तो तू सच बोलना अल्लाह पाक तेरे गुमानू सचा साबित कर देगा वाक्य मुख्तसर सिहाबी जहरा एक जंग अंदर चला गया है अल्लाह के रस्ते अंदर शहीद हो गया है ते रसूले सलाम असलामे सिहाबा ने इधर वेखिया जे इंज उन्हना मई पाक ने अपने हत्थ से उठाया है। ते कदम ब कदम कदम ब कदम इंज रसूल सल असलम के सामने लिया के नबी पाक दे यार खड़े हो गए रसूले पागल असलाम ने इस तरह वेख्या ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਹੁਆ ਹੁਆ ਆ ਹੁਆ ਹੁਆ ਸਹਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦੀ ਹਾਤੀ ਸਹਾਬੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋਈ ਏ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਓ ਇਲਾਬਾਦੀ ਹੋ ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਬਲ ਰਸੂਲ ਪਾਕਲੇ ਸਲਾਤ ਉਸਤੁਸਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ नबीलासलाद स्लाम ने अपना कुरता उतारे शौके जन्नत नबी पाग ने अपने अंदर कफन देखूलेक ने आप नमाजे जनाजा पढ़ाया मईयत सामने पई है तो नबी पाग दुआव पड़े ने नबी बाग फरमाते ने मेरे अल्लाह इन्हें पिंड छड़िया इलाका छड़िया बरादरी छड़ी कौम कबीला छया तेरी जन्नत वास्ते मतीने डेरे ला के बै गया ते तेरे रस्ते अंदर शहीद हो गया मैं तेरा नबीए की शहादत दी गवाई देना अल्लाह मेरे श्यापी माफ करके ते अल्लाह अपन जनता दा मेहमान बना दे वह सारे ऊला फेरा मेर ते मेरे रबे घुम वना वह जन्ना तेना अरजो हसा मावा तू वल अरजो ओदिल मुत्ता की अच्छा मैं ना जी मुसरद अहमद चो शौके जन्नत सुना है इलाज है शौके जन्नत गुनावके जन्नतु शौके जन्नत जज्बा बंद करता जे शौके जन्नत, जन्नत। आइए मैं मुसरत अहमद चो एक वाकया सुना मेरे और पीरों मुर्सो लंबी जनाबे मोहम्मद लाहोलम देख सभी नबी पा को ਕਹਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲ੍ਹਾਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਏ ਤੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲ੍ਹਾਮ ਜੀ ਬਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬੇਪਰਦੇਗੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬਾਗ 'ਚ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਏਗੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲ੍ਹਾਮ ਜੀ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਚ ਤੇਰਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਏ ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਗਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਮੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ ਉਹ ਅਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਣਾ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ 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 ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ हज़रत अबूद रजी अल्लाह तला अनहो तक पहुँचीए इन्ह नवीले सलादो तो सलाम ने एक दरखत दे बदले जन्नत जन्नत के अंदर खजूर के दरखत का ऐलान कर दिता है लब दे, लब दे लब दे लब दे लब दे उस बंदे कोजे दरखत उस बाग के अंदर जाके दरवाज़ा खटखटाया वाकया मुख्तसर कह लगे हो भाई जो तेरा दरखत मैनू दे, दे दस दरख्त ले लिया मैनू दे नहीं देना पाँह दरख ले लिया मैनू देना मैं नहीं देना सौ दरख ले लिया मैनू दे क्या मैं नहीं देना दो सौ दरख्त ले लिया मैनू दे, दे। आंधा मैं नहीं देना पांच सौ दरख्त ले लिया मैनू दे, दे। आंधा मैं नहीं देना हजरत अबू ने मैं भी दरख्त लैके छ्डना है आम दीने एक मेरा बाग है ये अंदर छे सौ दरख्त ने सारा बाग ही ले लिया तो मैनु एक दरखत दे दे दरखत बड़ा कीमती इस दरखत ना बड़ी एक बशारत बड़ी जमानत आ के जुड़ गई है उन्होंने छे सौ दरख्तों से मुश्तमिल सारा बाग दे दिता है एक दरख्त तो ओद को ले लिया है तो हजरत अबू दहादा नबी बाग दे आ गया आके कह लगे अल्लाह नबी ती आखियाँ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਲੈ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੈ ਦਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮੇਰਾ ਓ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹਰਾਮ ਕਮਾਣਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ठगी करना है फैक्ट्री चो चोरी करना है पुत्र रात न सो लगाब करी तू कि तू किस है सिबा दमूसती जंग लड़ा फिरना है सियाबा वाला किरदार भी पैदा कर सियाबा वर्गा पेट भी अपना पाक कर सियाबा जैसा शौक भी अपने अंदर पैदा कर अल्लाह के नबी मैं छे सौ दरख्तों से मुश्तमिल बाग दे के दरख्त ले लिया है क्या मेरा अल्लाह मेनू जन्नत ता करेगा ते जन्नत का दरख्त ता करेगा आपने फरमाया कमेन ਅਜ਼ ਕਿਨ ਰਦਾ ਹਨ ਲੇ ਅਬੀ ਦਰਦਾ ਦੇ ਅਬੀ ਦਹਦਾ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਔ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਦਹਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜੰਨਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘਨੇ ਦਰਖਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਜੰਨਤ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੰਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ੌਬ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਵੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਕ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜਿਆ ਕਰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜ ਲਵੇ سنة ربنا بيار بيق فرماية كينا لا فرش بطاين هام من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنسي قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي

ਉਹਨਾਂ ਤਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਬਰੀਕ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤਵੱਜੋ ਫਿਰ ਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜਿਆ ਕਰ واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخذود وطلح منذود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوع وفرش مرفوعة انا انشأناهن إِنْشَاءً فجعلناهن ابكارا عربا

ਉਰਬਨ ਅਤਰਾਬਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅ ਤਰਜਮਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 30 ਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਕਮਜ਼ ਕਮ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ ਕਮਜ਼ ਕਮ ਸੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ रीझा ही ले जान सहरा लिया। ते फिर मैं तेन रैफर करना है कुरान जेड़ा में सुरै रहमान पढ़ वाकिया पढ़ लवे दहर पढ़ लवे अल्लाह पागो नू दुनिया के जन्नत करवा दें आखिरी सिर्फ दो गल सुन लो फिर इंशाला मैं बात खत्म करना मेरे और पीरों मुर्शद मामो लंबी जनाबे मुहम्मद सलम तरीफ फरमान है तो रखना उम्मे जुफर रजीअल्ला तला अन्हा नबी असलाम आ गई कह लगी अल्लाह नबीसलाम बिमार रही बैठिया बैठिया अब बीमारी दे हथों बड़ी आवाज आर ध्यान रखियो बस हो गई दिल अंदर अंगड़ाई आई दिल अंदर ख्याल आया चलो अल्लाह दे नबी को जाके दुआ करवा अल्लाह दे नबी मेरे हक च अल्लाह को दुआ कर मेरा द्ला मैनुफाता आ कर दे ओ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੁੱਕ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਹੋ ਅਜੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਠਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਅਬ ਬੇਟਾ ਐਨੀ ਹੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਕਰ ਐਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਧੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ वला तुशैर خداکللاش ولاتمشف الارض مرا ان الله لا يحب كل مختال فخور اک باپ اپنے پوت نو لے کے بیٹھا ہے اسری صاحب نصیحت کردا کردا با پتہ کیاندا پتر سونے گھر چ پیدا ہو گیا تے ماڑیاں بندیاں نو ویکھ کے تے مٹھے تے وٹ نہ پائی سونے گھر چ پیدا ہو گیا تکبر والی چال نہ چلنی رب پسند نہیں کردا خیر جیڑی گل میں دسنی چاہنا

ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਖਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਤ ਆ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹੋਣੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਇਨ ਸਬਰਤੀ ਵਲਾਕ ਅਲ ਜਨਨਾ ਤੇ ਜੇ ਚਾਰ ਸਾਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਏਗੀ मैं अल्ह पाक तेन जन्नत का मेहमान बना दवे देने यही आखिया अल्लाह दे नबी मैं खामत में खामद ना मशुरा करके आनी हाँ बच्चिया मशुरा करके आनी हाँ घर वाले ने मशुरा करके आनी हाँ अला दे नबी जे जन्नत मुकाबला शिफा दे

अल्लाह अहले जन्नत अल्लाह पाको खुश हो गया जे अच्छा दुआ मैं करना सीने ठंड पा अल्लाह पाक जुमला सन अल्लाह जन्नत जाके अल्लाह सुन तोफीक कता फरमाए जंतियों खुश हो गया माल कुम मालाना अल्लाह नरजा अल्लाह के नबी राजी क्यों ना हो सोच नो भी बेहतर खजाने अता कर देते नहीं अल्लाह फरमान गए अजय तो मैं थानू कुछ अता करना है तो जोह जिन्होंने लभ्या ही नहीं अल्लाह तला जी वह कि चीज है नवी पा फरमाते हैं और पुत्र जना करन तो पहले हदीस अगे रख लिया कर और पुत्र चोरी करन तो पहले हदीश अगे रख लिया कर बेटा सोशल मीडिया ने तेरी मत मार दी है फेसबुक से याश बन गया बगैरत बन गया बेहया बन गया अवारतंधे गाने सुनना अवारा गल् सुनना हरकत कर हदीस अगे रख लिया कर अल्लाह कहे जनती ओ, खुश हो गए हो कहे अल्लाह सारिया नियमत दे दती ने खुश क्यों नहीं होना अल्लाह फरमान गए हूँ मैं तहूँ सब नो कीमती एक नियमत अ कर लग जनती कह गई यार अल्लाह की नबी बाग ने फरमाया फिर अल्लाह बाग एहले जन्नत नीदार नसीब करे जनता दे अजब नजारे होने गे ओदिया रहमत फुहारे हो गे जीओ किड्डा सोना वेला दिल बहार होएगा ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਓਏ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਲ ਬੇ ਨਿਆਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਦਾ 다우드 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ अल्लाह घड़िया नसीबर मा दे मुछ कोलो शकल बे न्याज होसन यूसुफ दादाबूद दी आवाज होएगी आजी साहब तेती, तेती साल दे जवान उ सारे होे बिच जन्नता दे अजब नजारे होने गे और सारे उम फेरा ते मेरे रब्बे घुमवा जन्ना अरशो हसा मावा तो बल अर ओ दत्ल मुत्ता की ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 17 ਮਹੀਨੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ 17 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੁੱद्दਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ ਕਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੁੱद्दਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਗਮਗੀਨ मैं दुआ करना मुहब्बत ना मैंने करना अल्लाह जिन्ना को पुत्र नहीं पुत्र दे दे सारे नहीं बोले अल्लाह जिन्होंने फरमान ने हदायत दे दे फिर बोलो अल्लाह पाक भैया कर दे नबी पाक ने हजरत इब्राहिम रसी अल्लाह तला चुकया कि मदनपुरी याद आ गया रहमत ल मौलाना शेखपुरी के साथी सन सा फैसला बाद बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ ओह अल्लाह अकबर ਮੌਲਾਨਾ ਰਫੀਕ ਮਦਨਪੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੜਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮૈયਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਬੇਟਾ ਗਮ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਖਬਰ خیال ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਬਰੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡੋਲਾ ਜੇ ਦੇਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲ ਚਾ ਬੋਲਾਂ ਗਾਲਬਨ ਸੈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਲਾਂਦੀਆਂ ਓਏ ਲੋਗੋ ਸ਼ੌਕੇ ਜੰਨਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਲਬੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜੰਨਤ 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 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਓ के जेड़ा वजीफा पढ़ दे अजी रही है नबी भाग सड़ के अपने आखिर एक वजीफा देबह तीन दफा दे दे तीन दफा मिल के बोलो सुबह तीन दफा ताम सूरज उगे भी तीन दफा तो मिलके बोलो सूरज डुबे भी तीन दफा कहना रजी तो बिल्लामे दी बाबे नबी आ माना सुनी माना रजीत बिला माना पता की माने ते गौर करे है दस साल हो गए नहीं ना दिते शाह ला गिला था व ला शिकवा कोई गिला शिकवा नहीं अल्लाह मैं ढिडो तेन अपना रब मन के राजी हो गया अल्लाह मैं तेरा गदार नहीं तेरा बेवफा नहीं تیرا در چھڈن والا نہیں رسی تو بلا ہے ربا فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم تین وری کوے رسی تو بلا ہے ربا मैं अल्लाह न अपना दाता मन के राजी हाँ मैं अल्लाह अपना रब मन के राजी हाँ इस्लामू मैं अपना दीन मन के राजी हाँ तो मुहम्मद सल अल वाले वसलम मैं अपना रसूल ते अपना नबी मन के राजी हाँ नबी ए पागल इस्लाम ने फरमाया जहरा बंदा तीन दफा सुबह पढ़ेगा तीन दफा शाम पढ़ेगा ला आखो जन्ना बेया दे जन्ना ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਸਿਨੇ ਠੰਡ ਪਾਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵੇ, ਨਾ ਦਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਨਾ ਠਰਦਿਆ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿਗਣਾ असी छले कड़े धागे पाने मेल के बोलो अब ना बेवफाई करनी अगर चाहे अल्लाह पाक तेन इज्जत वाली जिंदगी अता करे अल्लाह तेन भाकिरदार मुसलमान बनाए अदा कर दे हराम दे, नफरत पैदा कर दे फिर नजर सामने अल्लाह की जन्नत रखिया कर अल्लाह तेनू जो नेकिया की तोफीक अता कर दे तेरा जज्बा ना फिर शौके जन्नत पैदा कर लै दुखा का इलाज ही शौके जन्नत और रजी तो बिल्ला हरबा बबिल इस्लामे थी ना बबे मुहम्मद नफिया बड़ी कसरत न पड़े आ कर ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੇਚ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਟੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈ ਲੈਣਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਕੜਾ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਸੋ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾ ਕੀ ਝਗੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਪਾਉ ਇਕੋ ਯਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਹਜ਼ਰਤ ਯਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਕੇ ਮਸੀਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਚੱਜ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਇੰਜ ਘੜੀਆਂ ਬਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਨਾ कुरान का तर्जमा पढ़ो कम अज़ कम सूर रहमान तर्जमा पढ़ो सूर वाक्य का तर्जमा पढ़ो सूर तह का दा तर्जमा पढ़ो अपने बच्चिया बैठ के पढ़ो इक्को यारी कल रब वाली बाकी यारियाँ सब खबार ने जिन्हें रब दियाँ यारियाँ छड़ दतियाँ आ मिल के बोलो ना जितियाँ बाजियां भी हारिया ने अल्लाह फां सीने ठंड पायो अल्लाह पाक सानू एडा सोना अल्लाह साडे सा जन्नत दा शौक पैदा फरमा अल्लाह जन्नत की मुहब्बत पैदा फरमा अल्लाह सानू जन्नत नशे च अला पाक जीन की तोहफीक अता फरमा बस उठद जन्नत बहद जन्नत लेटदियाँ जन्नत चलदियाँ फिरदनत जन्नत 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 अल्लाह पाक जो मौत आए ना तो आखिरी साह जो टुट रहा होदों भी जन्नत की जियारत नसीब फरमा जिमें तो अल्लाह माई आते करम किया ना अल्लाह ने सारे परदे के दुनिया से भी जन्नत विखा छी अल्लाह सी अल्ला भी जन्नत नसीब फरमा तो गल का गुस्सा न करो बेटा प्राइवेसी बंदे की थी, ठीक हो तनहई ठीक हो अ तबारक बाल जन्नत की खुशबू की पहली किस्त अला अपने बंद नुनिया से यहा कर देंगे अल्लाह जन्नत जन्नतियाँ खुशबुआ नसीब फरमा शुभहान रब रब्बिल रबिल् अम्मा याशिफून व सलामरसलीन वल्हमद रब्बिल आलमीन